नंबर एक। गाइस, अंग्रेज जाते जाते इंडिया को कई ऐसी चीजें देकर गए हैं जिनका इस्तेमाल आज भी इंडिया करता है। समझ रहे हो ना? और उन्हीं में से एक चीज है भारत का रुपया। हालांकि रुपया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1540 में शेरशाह सूरी ने किया था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी अंग्रेजों के आने के बाद ही मिली थी। और तब हमारा रुपया एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे अरब देशों में खूब चलता था। दरअसल 1857 के बाद अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी कि अब से इंडिया के आसपास के सारे रीजन में भारतीय रुपया इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर जैसे अरब देशों की ऑफिशियल करेंसी भी रुपया ही बन गई थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि इन सारे देशों पर उस समय अंग्रेजों का ही राज हुआ करता था, तो इसीलिए वो जैसा करते इन देशों को मानना पड़ता था। लेकिन इन सब के चक्कर में रुपए की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 1947 तक आते आते एक अमेरिकी डॉलर 3 से 4 रुपए के बराबर हो गया था। फैक्ट नंबर दो। गाइस, अगर आप भी रील्स या शॉर्ट वीडियोस बनाकर पैसा कमाने का ख्वाब संजो रहे हैं तो ये वीडियो आपको बड़े ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया में आप जैसे लगभग 8 करोड़ लोग हैं जो कि रील्स बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1.5 लाख लोग ही ऐसे हैं जो कि रील से पैसा कमा रहे हैं। बाकी के 7,98,50,000 लोग रील्स बनाकर सिर्फ उनका वायरल होने का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया में रोजाना करीबन 60 लाख रील्स अपलोड होती हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जिनकी रील्स वायरल होती है और उन्हें पैसा कमा कर देती हैं। बाकी लोग तो सिर्फ रील्स बना ही रहे हैं, कुछ पा नहीं रहे, जिसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर लोग रील्स बनाकर सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं।